सलाम तो बाद में तुसा सारिया दा तहे दिल तो मशकूर है जी, जिन्हें अज इत्थे तशरीफ लिया के साड़ी इस तकरीब नूं इज्जत अफजाई की है जी। अल्लाह तला थोड़ा भला करे जी। मैं खास तौर पर डीसी खानेवाल जनाब शराजी साहब का बहुत ज्यादा ममनून हाँ, जिन्होंने बहुत मेहनत नाल और बड़ी कोशिश नाल इस प्रोजेक्ट नूं मुकम्मल करने च अपना भरपूर किरदार अदा किया जी। डीसी साहब मेरे ख्याल पहुंचने वाले जी, रास्ते थोड़ी देर लेट हो गए, पर मुख्तसर में जिमें अगे मेरे भाई गल करते पे हैं, मैं तो सोचा बैठा हूँ कि 20 साल तो जनाब मैं हो गए इलेक्शन लड़ते हुए सियासी गल करिए ना जी। अब बजुर्ग मेरे नाल खलोते हुए जी, साढ़े सारे माशाला है, सू विरासत मिले हुए सारे हराज ग्रुप के मतलब जमे उन्होंने वेखन लगा, ये सारे मैं समझाते हैं जी। ये मैं आते हैं डिवेलपमेंट के काम का सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा, और मैं आते ना वह मैं रिजल्ट दे दौड़ना हर इलेक्शन के रिजल्ट से अब्दुल हकीम बिल्कुल इस गल अमल हों कि बाबा जितने मर्जी काम किए रही है इतने सू जित कोई नहीं आती। सो गुजारिश ही हुई जी कि इनू अपना फर्ज समझ के, इनू अपना अल्लाह ताला की तरफों ये हुक्म समझ के, अगर रब की जात बंदे नू इस काबिल करेगी अवामो नास के भले के काम करने चाहिए। मेरा ख्याल है कि यह बड़ा वाला तारीखी प्रोजेक्ट है जो इतने इफ्तिताह किया जी। साड़ी नौजवान नस्लों को खास तौर पर साढ़े इस इलाके के लोगों वास्ते, इलाके के इतने खेल के मैदान भी इतने सारी मेरे ख्याल हर किसी वास्ते, मेरा तो ख्याल बड़ा वाला एक प्रोजेक्ट है जिसके तो जितना भी फखर महसूस किया जाए घट है। और मैं ये नाल नाल भी आखना चाहना जी, जिमें हाजी साहब अगे असो गल करते आते साढ़े इतने एक होर MNA साहब हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब लतीफे वाली गल है जी। उन्होंने को एक बार पूछा किसी, उन्हें आखिर जी दसो तू फंड देने कोई होर काम करावना जी, उस आखिर मेरा तो हवा चले तो मैं पिछला फंड ही पट लव सारा। सो आखण का मतलब है जी कि थोड़ा जहा ना जी इस चीज़ में तुम्हें सियासी तौर पर समझना चाहिए कि जल्द इलेक्शन का मौका आंदा या जी गलों का फर्क है जी। 20 साल तो मैं हल्के तो इलेक्शन लड़ता पे, जितनी मैं इतने मेहनत की है या कोशिश की है मैं इतने गिनावना नहीं चाहता जी, पर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल मैं ये अपनी गलती तो तस्लीम सब करना चाहना कि मैं मेरे ख्याल ना आदमी की इंसान शनास भी नहीं है, बंदा शनास भी नहीं है, और सियासी शोर तो मेरे ख्याल मैं कोई कोई नहीं, क्योंकि मेरे जिहड़े जिहड़े फैसले या मैं सोचता रहा अपने नेक नीति में सिर्फ एक आख सकना एको चीज़ के उत्ते मैं फुंड भी सकना, तो मैं आख सकना अपने रब की जात को हाजिर नजर जान के कि अपनी तरफों नेक नीति नाल मैं 20 साल कोशिश की है कि इलाके के भले का जो काम भी हो सके या मेरे दोस्तों के भले का जो काम भी हो सके नहीं मैं उन्होंने बगैर सोचे समझे करने की कोशिश की है। वह मैंने सियासी तौर पर हर किस फायदा नहीं होया, बल्कि जिन्हें लोगों ने मैं ढेर सिरे चढ़ाया अपने ग्रुप की वे वे थमन नज़रअंदाज करके उन्हें सारे मैनू विखाया जरूर है कि मैं चगल मारी। सो मैं इस प्रोग्राम की वसादत नाल जिमें दीने खान पहाड़ साहब भी अगर फरमाया मखदूम पुत्र तशरीफ लिया भाईजान, मैं तो इतफाक करना जी मैं अपनी 20 साल के सफर बिल्कुल तुम बजुर्गों के कोल वापस आ गए जी, कहते ना घूम के चक्कर मुकम्मल कर लिया कि तुम्हारी गल्ला सचिया आन जी, इन्हें डिवेलपमेंटा का फायदा कोई नहीं। तुस इस गल का मुवाजना करो मुखालफीन की सियासत न, अल्लाह का फजल है दहले का काम ही नहीं करते जी, ना उन्हें किया ना उन्हें करना जी। मैं तुम्हें एक छोटी जी मिसाल देना, खानेवाल मखदूमपुर रोड 2 महीने वास्ते नून की हुकूमत आई है, मोहम्मद खान जो बाकी MPA समान सारे पोस्टा ला ला मार के अस रोड बनवावनी आई, असा ख्वाब डिठा है कोई ख्वाब तो डिठा तुम 20 साल हो गए जी। मैं स्टेडियम की गल कर लें, ये मैंने हाई साहब उन्हें आते बैठे आते हैं जी कि नूह ना लिया पहले साडा प्रोजेक्ट, मैं क्या जी आखण तो बड़ी चंगी गल है सारे प्रोजेक्ट ही नून दें जी पाकिस्तान भावे मतलब खाब वेखने तो कोई वो नहीं, पर हर गल अमली जमा पहुंचा पहुंचावना जरूरी है, फंड लिया जरूरी है। एवं आखना जबानी गल मैं परले हल्की की गल करता जी, PP 206 की मोहम्मद खान साहब तकरीबन अरसा है 10 साल तो हूँ वह भी MNA, मैं भी 10 साल MNA रहा जिस हल्के, मैंने एक सुई गैस का मीटर से दिखाओ जो लवाया हुआ, एक मीटर नहीं उस अज तक लाया, टोटल गैस इस हल्के मेरी दी हुई टोटल 100/100। सो मैं यो गुजारिश करता पाया कि साढ़े मुखालफीन सिर्फ ये जरूर है उन्होंने इतने हाजिरी बहुत ज्यादा है हर पास, और उस हाजिरी के नतीजे जी कि काम किसी का नहीं करते मगर शायद आवाम नहीं हो चाहिए। मैंने सारे दोस्त भी आदन की लड़त भेजो काम ना किए करो, नौकरियां भी ना दीतियां करो, इतने डिवेलपमेंट भी ना की करो, ये मैं जिद जाके करता पाया काम, मैं तुम्हें दसना चाहता पे ये साड़ी ग्रुप नहीं मंगती सियासत ये काम नहीं मनती। मुख्तसरन जी इस गल आदन जी समेटी लंबी गलें जी
ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਫਰੂਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਮੁਯਸਰ ਆਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਸੁਣੇ।